वेल तो गाइज, आज स्मैकडाउन में कमाल हो गया। आज स्मैकडाउन हुआ था फ्रांस में, एंड दोस्तों वहां का क्राउड, वहां के फैंस, वहां की ऑडियंस काफी कमाल की है। यूएसए की जो ऑडियंस है वो जो चेंट्स करती है उनको भी फेल कर दिया। एंड दोस्तों यहां तक कि WWE ने खुद वार्निंग इश्यू करी है फैंस को उनके चेंट्स के लिए, उनके शोर के लिए। जी हाँ दोस्तों, इतना कमाल का क्राउड था स्मैकडाउन में फ्रेंड्स में। एंड दोस्तों आज स्मैकडाउन में जब रैंडी ओर्टन अपनी एंट्रेंस करते हैं, तब क्राउड उनकी एंट्रेंस थीम सॉन्ग को खुद सिंग कर रहा था, जो कि काफी कमाल का लग रहा था। कोडी रूट्स जब अपनी एंट्रेंस करते हैं, तब उनकी एंट्रेंस पर काफी ज्यादा लाउड चीयर होता है। एंड दोस्तों पॉल हेमन जब बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तब भी ऑडियंस उनके साथ बोलती है। एंड दोस्तों अरीना पूरी तरह से फट चुका था, फैंस पागल हो रहे थे, बिकॉज काफी टाइम बाद स्मैकडाउन यानी WWE का शो फ्रेंड्स में हुआ है, जिसके चलते ऑडियंस काफी क्रेजी थी, पागल हो रखी थी। एंड दोस्तों रोमन रेंग्स के चेंट्स फ्रेंड्स में लग रहे थे। एंड दोस्तों रोमन रेंग्स की ग्रेटनेस स्मैकडाउन में छा गई। एंड दोस्तों यहां पर रैंडी ओर्टन एंड केविन ओवंस का केओसो होता है, जहां पर पोले में आते हैं। रैंडी ओर्टन कहते हैं कि रियल ट्राइबल चीफ कौन है, तो वहां पर पोलेमेन कहते हैं सिर्फ एक ही रियल ट्राइबल चीफ है। एंड इतने में दोस्तों टामा टोंगा एंड सोलो सिकोवा है, वो अटैक करते हैं रैंडी ओर्टन एंड केविन ओवंस पर। एंड दोस्तों कल यानी आज रात बेकलेस में दोस्तों काफी कमाल का सेगमेंट होने वाला है, एक तगड़ा रिटर्न होने वाला है, केविन ओवंस एंड रैंडी ओर्टन वर्सेस टामा टोंगा एंड सोलो सिकोवा के मैच में। बाकी दोस्तों पॉल हेमन ने बताया कि ड्राफ्ट में रोमन रेंग्स ने खुद को विथड्रॉ नहीं करा था, बल्कि पॉल हेमन ने करा था। एंड एक्चुअल में पॉल हेमन ने रसलमेनिया के बाद रोमन रेंग्स से कोई भी कन्वर्सेशन नहीं करी, जो कि काफी शॉकिंग था। एंड दोस्तों अब ऐसा लग रहा है सोलो सिकोवा खुद हैंडल कर रही हैं ब्लड लाइन के बिजनेस को, हैज ए स्टोरी लाइन। एंड दोस्तों काफी कमाल का स्मैकडाउन था। ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि आपको बताना था कि फ्रांस की ऑडियंस, फ्रांस के फैंस काफी क्रेजी है रसलिंग के लिए, जैसे कि दोस्तों हम इंडियन फैंस हैं। उन्होंने यूएसए फैंस को एक तरह से डिफीट कर दिया है चीयर करने में, चेंट करने में। वैसे आपने स्मैकडाउन देखा है तो आपने ये जरूर यहाँ पर रियलाइज करा होगा कि फैंस कितने क्रेजी है फ्रेंड्स की। तो बेकलेस होने वाला है रात को 10 बजे, जिसके बारे में एक डिटेल में वीडियो आने वाली है। तो जल्दी से कमेंट करो, वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।